वेस्ट बंगाल, जो कि एक टाइम पे इंडिया के और स्टेट से सबसे अमीर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने से पहले बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी। उस टाइम पे बंगाल अपने सूती कपड़ों को यूरोपीय कंट्री में सप्लाई करता था, पर आज बंगाल इतना गरीब क्यों है? वेस्ट बंगाल ये है इंडिया का 13 लार्जेस्ट स्टेट और 4th मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, जो कि जीडीपी के हिसाब से 6th कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है। वेस्ट बंगाल इंडिया का ईस्टर्न स्टेट है जो बंगाल की खाड़ी को हिमालय से जोड़ने का काम करता है। बंगाल के पास शुरुआत से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिल्क जूट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि जिसके चलते 18th सेंचुरी तक इंडिया जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 25% थी। और बंगाल के इस जूट बिजनेस के कारण 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज बंगाल आते हैं व्यापार करने के लिए, पर अंग्रेजों का लालच इतना बड़ा था कि वो बंगाल को लूटने लगे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासिया, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल में अंग्रेजों का राज हो गया था। इससे अंग्रेजों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अंग्रेज बंगाल के हाई क्वालिटी कॉटन जूट सिल्क को ब्रिटेन ले जाते और उससे बनने वाली चीजों को वापस बंगाल के लोगों को ही ज्यादा पैसों में बेचते थे। इससे उनको डबल तरीके से प्रॉफिट होता। अंग्रेजों को तो इस प्रोसेस से प्रॉफिट हो रहा था, बट इससे बंगाल की इकोनॉमिक पर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके बाद अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के इस शोषण के कारण 1943 तक वहाँ के लोगों को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ा और अकाल के कारण बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए, जिसके पीछे ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल का हाथ था। क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस दौरान ब्रिटेन के पीएम ने बंगाल से होने वाले चावल को अपनी आर्मी के लिए स्टोर करना शुरू कर दिया और इसी से बंगाल में फूड क्राइसिस बढ़ने लगा। और इस फूड क्राइसिस से इंडिया में और भी लोग थे जो कि अलग अलग बीमारियों से मरने लगे। साल 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उस टाइम पे बंगाल के पास गोल्डन चांस था अपनी अर्थव्यवस्था को वापस ये पटरी पे लाने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी बंगाल सही तरीके से अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ कि 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। उसमें इंडिया के पास बंगाल का वो हिस्सा रहा जिसमें 5 जूट माइल्स थी, बट ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ 25% लैंड चली गई जिसमें जूट की खेती होती थी। और इस पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिससे इन दोनों देशों से होने वाले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें जूट भी था। बट ये एग्रीमेंट थोड़े ही दिन चला, फिर पाकिस्तान ने जूट को एक्सपोर्ट करने के लिए हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे वेस्ट बंगाल की माइल्स भी बंद होने लगी। पर उसके बावजूद भी 1960 तक वेस्ट बंगाल की नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NSDP महाराष्ट्र से काफी ज्यादा थी। पर बंगाल की ये इकोनॉमी कुछ सालों में इंक्रीज से डिक्रीज होने लगी। 1995 के आते आते बंगाल की इकोनॉमी महाराष्ट्र की इकोनॉमी से 15-20% घटने लगी, क्योंकि 1965 और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे में इन्वेस्टमेंट थे वो कम हो गए। क्योंकि 1965 और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के कारण पूरे देश की इकोनॉमिक पर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ा, पर इसमें बंगाल की इकोनॉमिक पे सबसे ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इससे इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे पर इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। क्योंकि 1960 तक बंगाल के लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने लगे, तो इससे गवर्नमेंट को रेलवे और इंजीनियरिंग में बराबर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, पर ऐसा हुआ नहीं। इससे बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी डूब गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ की गवर्नमेंट को लेफ्ट पार्टी डोमिनेट कर रही थी, CPI। ये वो पार्टी है जो किसानों और गरीबों की हक की बात करती है। इसी के कारण 1969 में CPI ने कांग्रेस को बंगाल इलेक्शन से हरा दिया, और इस लेफ्ट पार्टी के कारण ही बंगाल की इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि लेफ्ट पार्टी के कारण बंगाल स्टेट में स्ट्राइक और लॉकआउट के केस बढ़ने लगे। अब ये स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्ट्राइक वो होता है जहाँ पर कर्मचारी काम करने से मना करते हैं, और लॉकआउट वो होता है जिसमें मैनेजमेंट उनसे काम करवाने से मना करते हैं। और इसी के कारण ही बहुत सारी कंपनी इस स्ट्राइक और लॉकआउट से परेशान होकर वो वेस्ट बंगाल से सीधा महाराष्ट्र और गुजरात में शिफ्ट हो गई, जिससे बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बंद हो गया। और इसके बाद 1971 में बंगाल वॉर के बाद वहाँ ज्यादा मात्रा में माइग्रेंस शुरू हुआ। रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1971 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान के 60 लाख लोगों ने वेस्ट बंगाल में एंटर किया, और करीब 10 सालों के बाद ये नंबर 60 से 80 लाख तक पहुंच गए थे। और इन सब रीजन के कारण ही बंगाल की इकोनॉमिक डाउन
लॉकडाउन में चली गई। और इन सब इमिग्रेंट्स के कारण ही बंगाल के अंदर कभी कभी वायलेंस भी होता है। तो ये थे बंगाल की इकोनॉमिक डाउन होने के कुछ रीजन। सो दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया है? तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय श्री राम।